क्या ब्रह्मांड हमारी छोटी छोटी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकता है? क्या ब्रह्मांड में हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करने की क्षमता है? क्या है ब्रह्मांड से अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने का तरीका? दोस्तों, जब भी हमें अपने जीवन से जुड़ी कोई कामना होती है या किसी समस्या का समाधान पाना होता है, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों, विद्वानों, ज्ञानी महात्माओं, ज्योतिषाचार्यों, मनोवैज्ञानिकों के पास पहुंच जाते हैं। ये सभी अपनी क्षमता के मुताबिक हमें अपनी मनचाही चीज पाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा भी तरीका है जिसके जरिए बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के हम खुद जो चाहें वो पा सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी तरीके के बारे में आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सनातन का अध्यात्म केवल ईश्वर और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग ही नहीं है, न ये सिर्फ परलौकिक जीवन के बारे में है, बल्कि सनातन के अध्यात्म में हमारे भौतिक जीवन को भी सुख और आनंद से भर देने की क्षमता है। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में हर तरह की भौतिक या अभौतिक चीजों को क्रिएट करने की क्षमता है। बस जरूरत है खुद अपने अंदर उस क्षमता को विकसित करने की, जिससे हमारे अंदर ब्रह्मांड से हर चीज को पाने की शक्ति आ जाए। दोस्तों, अब सवाल है कि किसी चीज को ब्रह्मांड से प्राप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो इसे जानने के लिए हमारे अंतर्मन और मस्तिष्क में स्थित अवचेतन मन की शक्ति काम करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर आध्यात्मिक रहस्यों को भली भांति समझा जा सकता है और फिर अपनी इच्छित चीजों को पाया जा सकता है। सनातन का मानना है कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वो शक्ति मानव मन मस्तिष्क के अंदर भी समाहित है। बाह्य दृष्टि अनंत ब्रह्मांड को समझना आज के विज्ञान के लिए भी नामुमकिन है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मानव मस्तिष्क और मानव मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन के वर्किंग सिस्टम को समझकर ब्रह्मांड के रहस्यों को भी समझा जा सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लाखों साल पहले भारतीय ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड को समझने के इस आंतरिक सिस्टम को जान लिया था। आज से लाखों वर्ष पहले ही उन्होंने इसका फॉर्मूला दे दिया था। ये फॉर्मूला या सूत्र है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तत ब्रह्मांडे यत पिंडे, अर्थात जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब मानव पिंड में भी स्थित है। सनातन के मुताबिक मानव पिंड ब्रह्मांड का छोटा रूप है। सनातन के महर्षियों का मानना है कि मानव मन मस्तिष्क की जटिलताएं और ब्रह्मांड का अनंत बहुआयामी विस्तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसे समझकर न केवल व्यक्ति के बारे में अपितु ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में भी जाना जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने अपने मन और शरीर रूपी पिंड के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कर आज से हजारों वर्ष पहले जिन खगोलीय गणनाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया था, वो आज आधुनिक युग की अत्याधुनिक मशीन की गणना से लगभग मेल खाती है। इस बात को समझने के लिए हनुमान चालीसा की एक मिसाल आपके सामने रख रहे हैं। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानू। इसी दोहे में सूरज और धरती के बीच की दूरी बताई गई है। हनुमान चालीसा के इस दोहे में सूरज और धरती के बीच की दूरी का गणित छिपा हुआ है। इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल यानी आम समझकर खा लिया था। इसमें एक युग का मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र का मतलब 1,000 और एक योजन का अर्थ है 8 मील। अब देखा जाए तो युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन अर्थात 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील होगा। इस प्रकार ये दूरी 96,00,000 मील है। किलोमीटर में अगर इस दूरी को देखें तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो इस हिसाब से 96,00,000 गुणा 1.6 किलोमीटर होते हैं यानी 15,36,00,000 किलोमीटर। इस गणित के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15,00,00,000 किलोमीटर है, जिसे सैकड़ों साल बाद खगोल वैज्ञानिक जान सके। इसी तरह ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियों को समझकर और उनसे समन्वय बनाकर मनुष्य हर युग में सफलता हासिल कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति के रहस्य को जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को बदल सकता है और अपनी तकदीर खुद बना सकता है। अब सवाल है कि ब्रह्मांड की शक्ति को पाने का तरीका क्या है? तो सनातन धर्म में योग, ध्यान और साधना को इसका साधन बताया गया है। योग और साधना के जरिए व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ सकता है
और योग की उस स्थिति में पहुंचने के बाद वो अवचेतना के उस स्तर पर होता है कि वो जो चाहे वो मेटरलाइज कर सकता है, यानी उसे साकार रूप में पा सकता है। वो भौतिक सुख सुविधाओं को भी प्राप्त कर सकता है। आज के युग के कई खिलाड़ी, डॉक्टर, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स ने योग और साधना को अपना नित्य कर्म बना लिया है। इससे उन्हें अपने काम में ऐसे कई क्लू मिलते हैं जो उन्हें औरों से आगे कर देते हैं। ऐसे में लोगों को अपनी इच्छित वस्तु पाने और समस्याओं का समाधान पाने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।